आइए बच्चों, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, सरलतम रूप में लिखिए। टेन इनवर्स ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए का क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर, और इसमें कंडीशन दिया है ए इज़ ग्रेटर देन 0 तथा माइनस ए बाई रूट 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए बाई रूट 3। इस शर्त के अंतर्गत इस फलन को हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमको जो ITF दिया है, टेन इनवर्स ऑफ 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर, इसको हम त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से सरल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये ध्यान रखना है कि इसमें उचित प्रतिस्थापन क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन करते हैं, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो इस स्थिति में देयर एम्प्लाइज टेन थीटा x बाई ए हो जाएगा, देयर एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x बाई ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों, हम इसमें x इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्रतिस्थापित करते हैं तो इसका स्वरूप क्या हो जाता है। देयरफॉर इसमें हम प्रतिस्थापित करते हैं टेन इनवर्स ऑफ 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3 ए इंटू एक्स की जगह पर आपको प्रतिस्थापित करना है ए टेन थीटा, चाहे तो आप इसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस ए टेन थीटा होल क्यूब अपॉन ए का क्यूब माइनस 3 ए इंटू एक्स यानि ए टेन थीटा होल स्क्वायर। तो बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को सरलतम रूप में लिखना है तो हम ये ध्यान रख रहे हैं, यहाँ बाहर टेन इनवर्स है तो हमको ये कोशिश करना है कि ये टेन थीटा के रूप में आ जाए, तो इसलिए हमने ये उचित प्रतिस्थापन रखा। अब हम इसको सरलतम रूप में करते हैं तो ये हमें मिलेगा, ये हो गया 3 ए स्क्वायर, यहाँ पर है 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो गया बच्चों 3 ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब ऑफ थीटा बाई ए क्यूब माइनस 3 ए इंटू टेन थीटा होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए देन ए क्यूब इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ये आ गया टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ ए क्यूब कॉमन लिया, नीचे भी ए क्यूब कॉमन लिया और ऊपर नीचे ए क्यूब कैंसिल कर दिया, तो ये बच गया 3 इंटू टेन ऑफ थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई ये हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको समझना है बच्चों,
थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है टेन थ्री थीटा का। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थ्री थीटा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये टेन थ्री थीटा का फार्मूला है। अब इस प्रकार टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, यानी थ्री थीटा। हमको ये ध्यान रखना है बच्चों, फार्मूला जो यूज़ हो रहा है टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमने उपयोग किया। अब हम चूँकि हमारा जो फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्स के टर्म्स में है, हमने अपनी सुविधा के लिए इसका प्रतिस्थापन ए टेन थीटा किया, लेकिन जवाब हमें एक्स के पदों में देना होगा, तो हम थीटा का मान पुनः रख देते हैं। थीटा का मान थीटा इक्वल टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो ये हो गया थ्री इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। इसका सरलतम रूप हो जाएगा थ्री इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो इस प्रकार हम इसको सरलतम रूप में ला सकते हैं। इसका मतलब जो मान ये देगा वही मान ये देगा, सरलतम रूप का अर्थ ये है। तो इस प्रकार से हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ये शर्त जो दिया है a इज ग्रेटर देन जीरो एंड इसके अंतर्गत ये जो शर्त दिया है, हम इस शर्त की जांच कर सकते हैं। चलिए हम इस शर्त की जांच करते हैं बच्चों। अब इसमें समझना है कि ये जो फंक्शन है वो है टेन इनवर्स ऑफ दिस, तो इसका रेंज हमको समझना है। तो टेन इनवर्स फलन का जो रेंज होता है इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो हम इसकी जांच करते हैं। तो शर्त की जांच भी आप कर सकते हैं, शर्त की जांच जो इसमें दिया गया है कि x का मान माइनस ए बाई रूट थ्री और a बाई रूट थ्री के बीच होना चाहिए, इसकी हम जांच करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या समझना होगा कि ये जो फंक्शन हमारा टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स का रेंज क्या है बच्चों, चूंकि टेन इनवर्स फलन का रेंज, रेंज माने परिसर, और ये होता है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इन ओपन इंटरवल। तो क्या मतलब कि ये जो हमको राइट हैंड मतलब सरलतम रूप जो मिला है थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसके बीच में होना चाहिए, अर्थात माइनस पाई बाई टू इज लेस देन थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए इज लेस देन पाई बाई टू। तो अब हम इसको सरलतम रूप में लाएंगे और ये शर्त का पालन होता है कि नहीं होता है देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम तीन हटाते हैं, तो तीन हटाने के लिए सबको तीन से डिवाइड कर दो, ये हो गया पाई बाई सिक्स, ये हो गया थ्री हट गया भाग देने पर, और ये हो गया पाई बाई सिक्स। अब हम टेन इनवर्स को हटाते हैं तो टेन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों टेन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स इज लेस देन टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इज लेस देन टेन पाई बाई सिक्स। तो हम इसको और सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टेन पाई बाई सिक्स, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हो गया माइनस टेन पाई बाई सिक्स इज लेस देन टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ दिस, ये एक दूसरे को हटाता है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये आ गया एक्स बाई ए और इज लेस देन टेन पाई बाई सिक्स। देयरफॉर बच्चों टेन पाई बाई सिक्स यानी टेन थर्टी, तो ये होता है माइनस वन बाई रूट थ्री इज लेस देन एक्स बाई ए इज लेस देन वन बाई रूट थ्री। देयर एम्प्लाइज एक्स निकालना है, ए को हटाओ तो सबको ए से इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई रूट थ्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन
ए बाई रूट थ्री। तो बच्चों आप इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप शर्त की जांच भी कर सकते हैं कि इस शर्त के अंतर्गत इसका सरलतम रूप 3 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए होगा। ये समझना बच्चों कि इस शर्त के अंतर्गत इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का सरलतम रूप 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए होगा।